सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है। 35 साल के डेवलपमेंट और काफी सारे दिक्कतों के बाद अभी फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने 324 तेजस एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में शामिल करने का फैसला किया है, ताकि लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स की डिप्लीटेड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेकअप किया जा सके। पहले ही इंडियन एयरफोर्स 123 तेजस को खरीदने के लिए कमिटेड था, जिनकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 75,000 करोड़ के आसपास की थी। और अभी इंडियन एयरफोर्स 201 तेजस MK2 को भी अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहती है, ताकि MiG-21 और MiG-27 फ्लीट को रिप्लेस किया जा सके। सोर्सेस के मुताबिक तेजस के टोटल 18 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि तेजस MK2 एक कंप्लीट डिफरेंट फाइटर बने, जिसमें फ्यूचरिस्टिक एवियोनिक, बेहतर रडार, बेहतर फ्यूल और ओपन कैरिंग कैपेसिटी और एक पावरफुल इंजन होना चाहिए। अभी तेजस का एंडोरेंस बस 1 घंटे तक है और इसका कॉम्बैट रेडियस भी 400 से 500 किलोमीटर तक है, और यह सिर्फ 3 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि F-16 और ग्रिफिन जैसे फाइटर्स की एंडोरेंस तेजस के मुकाबले लगभग 3 गुना है और ये तेजस के मुकाबले 2 गुना पेलोड कैरी कर सकते हैं। सोर्सेस के मुताबिक अभी एडिशनल 83 तेजस MK1 के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। तेजस MK1 में तेजस MK1 के मुकाबले 43 इम्प्रूवमेंट्स किए जाने वाले हैं और इनकी डिलीवरी शायद 2023 से शुरू होने वाली है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की सिंगल इंजन फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है और एक नया टेंडर इशू किया जाने वाला है, जिसमें इंजन रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। सोर्सेस के मुताबिक गवर्नमेंट अभी F-18 सुपर हॉर्नेट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना चाहती है, इसी वजह से सिंगल इंजन फाइटर जेट डील को कैंसिल कराया गया, ताकि इंडियन एयरफोर्स F-18 को इवेलुएट कर सके। और एक टॉप डिफेंस ऑफिसर ने भी कहा है कि इंडियन नेवी की कैरियर बोन फाइटर के लिए भी F-18 को सिलेक्ट किया गया है, हालांकि राफेल भी अभी इस दौड़ में शामिल है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अगले हफ्ते तक ही नए फाइटर जेट के लिए RFI इशू कर दिया जाएगा और इस डील की कीमत लगभग $15 बिलियन तक होने वाली है, और इस डील के अंदर जेट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगला अपडेट F-35 की तरफ से है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये बात कंफर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स अभी US की F-35 पे इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आज खबर आई है कि US पैसिफिक कमांड के चीफ ने ऑफिशियली इंडिया को F-35 को ऑफर करने के लिए प्रस्ताव रखा है। और ये F-35 को लेके आज तक जितने भी रूमर उठाए गए हैं, उनमें सबसे पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन इंडिया अभी F-35 के बदले रशियन SU-57 यानी कि FGF प्रोग्राम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के रशिया विजिट के दौरान इस पर बातचीत होने वाली है। यूनाइटेड स्टेट के तरफ से कहा गया है कि चाइना के द्वारा J-20 को ऑपरेशनल करने के बाद इंडिया को एक 5th जनरेशन फाइटर की सख्त जरूरत है, और F-35 एक ऐसा फाइटर है जिसे इंडिया कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन कुछ डिफेंस जानकारों का कहना है कि US F-35 के जरिए FGF प्रोग्राम के फंड को डाइवर्ट करना चाहता है, और रशिया को भी अभी SU-57 प्रोग्राम के लिए फंड्स की जरूरत है। और अगर इंडिया FGF प्रोग्राम में आगे बढ़ता है तो रशिया को SU-57 के लिए मदद भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट इंडिया के कंधे पर बंदूक रखकर रशिया पे निशाना लगाना चाहता है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज तक का सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल S-500 सिस्टम के कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। रशियन मीडिया के मुताबिक S-500 के कॉम्बैट व्हीकल्स को निजी नवगोरोद में एक नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाया जा रहा है, और इसकी मिसाइल सिस्टम को एक और नए मैन्युफैक्चरिंग साइट पर बनाया जा रहा है, जो कि किरोव में मौजूद है। S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक है और एक साथ कई टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। सोर्सेस के मुताबिक ये Mach 5 तक के स्पीड वाले क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल को 2000 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है और 1,65,000 फुट की ऊंचाई तक मार कर सकता है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइना अभी श्रीलंका में एक रडार स्टेशन को बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इंडियन शिप की मूवमेंट को आसानी से मॉनिटर कर सके। इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन चाइना इसे एकेडमिक वर्क और ओशनोग्राफिक स्टडीज का नाम दे रहा है। चाइना का कहना है कि वो श्रीलंका के रुहाना यूनिवर्सिटी में एक रडार स्टेशन को एस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कि श्रीलंका के साउदर्न कोस्ट पर मौजूद है, और सोर्सेस के मुताबिक श्रीलंकन गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है।
इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट डिटेल अभी तक पता नहीं चली है, पर सीक्रेट सोर्सेज के मुताबिक एक हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्टवेव रडार स्टेशन होने वाला है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक हो सकती है और ये इंडियन ओशन के डायरेक्शन में 120 डिग्री तक कवरेज दे सकता है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स से अब MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को रिटायर कर दिया गया है और अभी MQ-9 रीपर ड्रोन यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की ड्रोन ऑपरेशन का बैकबोन बनने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक अभी MQ-9 रीपर ड्रोन को हाईली मॉडिफाई किया जाने वाला है और इसमें काफी सारे कैपेबिलिटीज को भी ऐड किया जाने वाला है और अब एक खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।